अभी हाल ही में लोगों ने कई बार मुझसे सवाल पूछा है कि धैर्यवान जी, आप हमेशा अपने स्पिरिचुअल जर्नीज के बारे में बताते हैं और स्पिरिचुअल होने की सलाह भी देते हैं। हम तो ऑलरेडी धार्मिक हैं, हम तो ऑलरेडी किसी न किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, अपने रिलीजन को फॉलो भी करते हैं, फिर स्पिरिचुअल जर्नी को लेके इतना क्यों? मेरा एक जवाब है आपसे कि रिलीजियस होना स्पिरिचुअल होना हो सकता है, पर स्पिरिचुअल होना कहीं भी रिलीजियस होना जरूरी नहीं है। समझ रहे हो? थोड़ा अजीब है। धार्मिक होने का आध्यात्मिक होना हो सकता है, अगर धार्मिक इंसान आध्यात्मिक हो सकता है, पर आध्यात्मिक इंसान स्पिरिचुअल पर्सन का धार्मिक होना कहीं भी जरूरी नहीं। समझ में आए? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप भगवान पे नहीं भी मानते हैं, किसी पर्टिकुलर खुदा अल्लाह भगवान जीसस गुरु नहीं भी मानते हैं, तो भी आप रिलीजियस हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं। स्पिरिचुअल होने का मतलब सिर्फ ये है कि आप अपने अंदर की उस इंसानियत को समझ जाएं, अपने उस सुप्रीम पावर को समझ जाएं, जिस चीज से आप बने हैं उस मिट्टी को समझ जाएं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप उस विशाल समुंदर का एक बूंद है, उस विशाल मिट्टी का एक छोटा सा कण है, और आप में वो सारे गुण हैं जो उस समुंदर में हो सकता है, उस बूंद में सारे, उस बूंद की मॉलिक्यूल पावर सारी चीज उसमें है जो एक समुंदर में, उस मिट्टी में हर चीज है जो उस पूरी मिट्टी के इस अंबार में, इस पहाड़ में। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, आपको धार्मिक होने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप धार्मिक होना चाहते हैं तो बिल्कुल होइए, बिल्कुल। क्योंकि देखो यार, मैं धार्मिक होना को सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ, आप में से बहुत लोग मेरे इस विचार से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, मैं धार्मिक होने को सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सारे धर्मों में, हर धर्म में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्धिस्ट हो, जैनिज्म हो, जुडिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, हर धर्म में स्पिरिचुअल होने का प्रॉपर वे है कि कैसे आप धर्म के माध्यम से स्पिरिचुअल होंगे, आध्यात्मिक होंगे, इसको प्रॉपर तरीके से समझाया गया है। और क्योंकि उसे प्रॉपर तरीके से समझाया गया है, आपके लिए आसान है। हर धर्म में धर्म गुरु होते हैं, आपके बड़े होते हैं, आपसे समझदार होते हैं, बहुत सारे कर्मकांड होते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, उनके माध्यम से आपका माइंड धीरे धीरे स्पिरिचुअल होने लगता है। सोचा है कभी, आप कभी दूसरों की शादी में बैठ पाते हैं क्या, जब फेरे चल रहे होते, मंत्र पढ़ रहे होते हैं पंडित जी? नहीं ना। लेकिन अपनी शादी में कैसे बैठ पाते? किसी और घर की पूजा में, अपने ही घर की पूजा में आप ज़्यादातर नहीं बैठते, लेकिन जब पूजा आप खुद करवा रहे होते हैं, आप में से ज़्यादातर यंगस्टर्स जो हैं दिवाली में अपने माँ बाप के साथ माता लक्ष्मी की जब पूजा होती है नहीं बैठते। मुझे पता है, मैं भी ऐसा ही था, लेकिन जब खुद कमाना शुरू किए, खुद पैसों की वैल्यू आनी शुरू हुई, जब अमीर बनने के बारे में सोचा, तो दिवाली में माता लक्ष्मी की पूजा हुई, आपने खुद करी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो फीलिंग आ गई, आपको मालूम चल गया है कि आप कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी को धन की देवी मान चुके हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे मान चुका है। सब दिमाग का खेल है दोस्त। दिमाग को उस वे पे बैठाने के लिए, उस रास्ते पे चलाने के लिए आपको कोई रास्ता देना जरूरी है। यार देखो, एक जंगल है, उत्तर दिशा में आपको कहीं जाना है, आप ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर डेजिग्नेटेड उसके लिए पार्थ बना हुआ है, 4-7 लोग उसमें चल चुके हैं, उस पार्थ में चल चुके हैं, तो प्रॉपर एक रास्ता डिफाइन हो गया है और उस रास्ते में आप आसानी से चल सकते हैं, क्योंकि चला हुआ रास्ता है, क्लियर रास्ता है, साफ सुथरा रास्ता है। तो ज़्यादा परेशान ना होते, अगर आप रास्ता अपना खोजना चाहते हैं, खोजिए। अगर खोजे हुए रास्तों पर चलना चाहते हैं, चलिए। लेकिन जीवन को अपनी पूर्णता में जीने के लिए आपको अपने सारे व्यसन से आज़ादी पा करके, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी चीज़ों से आज़ादी पा करके,
उस टाइम के लिए आपको स्पिरिचुअल होना चाहिए, होना पड़ेगा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत धोखे खाए, छोटी सी लाइफ में बहुत कुछ झेला है, पैसों की तंगी, रिलेशनशिप में फेलियर, बिजनेस में फेलियर, जॉब का स्ट्रगल, हर तरह से टूटा हूं मैं। रास्ता उसके दर पे मिला। अब वो कौन है ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी धर्म को प्रमोट करने जैसा हो जाएगा। आप में से बहुत लोग जानते हैं कि मैं बहुत लंबे समय तक एक बुद्धिस्ट मॉन्क की जिंदगी जिया हूं, एक बौद्धिस्ट जीवन जिया हूं, लेकिन मैं कहीं भी ये नहीं बोल रहा हूं कि आप शांति के लिए, आप सच्चाई के लिए, आप अपने दिमाग को सही दर्शन में लाने के लिए, आप जीवन को सही दर्शन में पाने के लिए बौद्धिस्ट मॉन्क बने। मैं बौद्धिज्म को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। मैं मानता हूं भगवान बुद्ध के रास्ते पर मैं चला हूं, और मैं कहीं भी आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि घर परिवार छोड़ के आप सन्यासी हो जाइए, बिल्कुल नहीं। अरे नहीं यार, सांसारिक जीवन में रहते हुए भी सन्यास को आप जी सकते हैं। सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, प्राणायाम करना, काम पे सही टाइम पे पहुंचना, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना, और लोगों को अप्रिशिएट करना, उनके जीवन में उनको सपोर्ट करना, ये भी तो स्पिरिचुअल होना होता है। माँ बाप के लिए अच्छी माँ बाप की सेवा करना, आस पड़ोस के लोगों के लिए अच्छा सोचना, किसी का दुर्व्यवहार नहीं करना, अपने आसपास साफ सफाई रखना, ये तो एक सन्यासी का ही जीवन है। किसी को धोखा नहीं देना, किसी के साथ चोरी नहीं करना, बदमाशी नहीं करना, गलत संगत का त्याग करके सही टाइम पे सोना, अच्छा खाना, मांस मदिरा का सेवन ना करना, ये भी तो एक सन्यासी का ही जीवन है। ये तो आप ऐसे भी जी सकते हैं, ऐसे भी रह सकते हैं। तो परेशान होने के बजाय अपने आप को ज्यादा स्ट्रेस दिए बगैर आसानी से, शांति से अपने आप को स्वीकार कीजिए। आप जो हैं, जैसे हैं, जहां भी हैं, स्वीकार कीजिए, और आप पाएंगे कि आप में वो सारी खूबियां हैं जो आप चाहते हैं। बाहरी खूबियों की बात नहीं कर रहा हूं, वो आंतरिक खूबियों की बात कर रहा हूं। सिर्फ रुकना है, थमना है, शांत होना है, और उसके बाद सही डिसीजन लेकर के उस बहाव में बह जाना है, और इसी का नाम जीवन है, और ये आसानी से घटेगा। नमस्ते जी।